Hello everyone, myself RK. You are most welcome on my YouTube channel Exams for All Classes. बच्चों आज हम लोग exercise 2.4 के क्वेश्चन करेंगे polynomial का. तो उसमें हम लोग देखते हैं पहले कुछ कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. देखिए दो तीन कॉन्सेप्ट मैंने उसमें बताया था, वो आप लोग याद रखिए पहले, और उसी बेसिस पर ये है आपका. हमने क्या बताया था, हमने बताया था क्यूबिक पॉलीनोमियल के बारे में. तो क्यूबिक पॉलीनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होता है, ये हमने बताया था. इसके हम जो क्यूबिक पॉलीनोमियल दिया है, हमने कहा था इसके थ्री जीरोज होंगे, अल्फा बीटा गामा. तो मैंने शुरुआत में ही जब पढ़ा रहा था इसका, तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट. तो पहला जो रिलेशन बताया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई ए. सेकेंड जो था अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये क्या था सी बाई ए. और लास्ट में था अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए. एक तो हमने ये बताया था, क्वाड्रेटिक का भी बताया था, और क्या बताया था कि इफ़ अल्फा बीटा गामा आर गिवेन, अगर ऐसा दिया है, आप पहला वाला वीडियो देखिएगा उसमें समझ में आएगा, देन क्यूबिक पॉलीनोमियल ई एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर. उसके बाद क्या था, प्लस था अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यहाँ एक्स था माइनस अल्फा बीटा गामा, ये हमने बताया था. तो आप लोग जो एक्सरसाइज 2.4 पढ़ने से पहले वो सारे कॉन्सेप्ट को आप देख लें, तभी आपको समझ में आ पाएगा, क्योंकि सारा वीडियो का लिंक एक दूसरे से है. जो पहले में डिस्कशन कॉन्सेप्ट किया, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो लगभग पूरे पॉलीनोमियल का कॉन्सेप्ट एक ही में बता देते हैं, तो इस वजह से आप लोग हर वीडियो को जब लगातार देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. फिलहाल जहाँ बीच में ज़रूरत पड़ेगी हम बता देंगे कि क्या क्या है, कैसे हैं. तो आज इस बेसिस पे आइए हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें जो दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.4, इसको हम रफ करते हैं. आप लोग पहला दूसरा तीसरा जो भी वीडियो इसमें है उसको सब एक तरफ से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर वन कह रहा कि वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड. पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1, चैप्टर हमारा क्या है पॉलीनोमियल. पॉलीनोमियल का एक्सरसाइज 2.4 हम लोग पढ़ रहे हैं. क्या कह रहा है इसमें, वेरीफाई वेरीफाई दैट द नंबर गिवन, नंबर गिवन along side of cubic polynomial, along side of cubic polynomial below are there zeros also verify the relation between zeros and coefficient. और क्या कह रहा, also verify relation relationship between zeros and coefficient. क्या दिया है, zeros and coefficient. देखिएगा इसमें क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है क्या क्या कह रहा है. पहला जो दिया इसमें ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट है आपका क्या है, 2x³ + x² - 5x + 2, ये दिया है क्यूबिक पॉलीनोमियल. और यहाँ जो दिया है कह रहा 1/2, 1 and -2, ये दिया हुआ है. ध्यान से समझिएगा इसमें, सबसे पहले इसमें क्या कह रहा, कह रहा वेरीफाई दैट
the number given alongside the cubic polynomial. ये cubic polynomial इसके alongside यही दिया हुआ है. Are their zeros? पता ये करना है कि जो ये दिए हुए हैं, कह रहा है ना are their zeros, मतलब 1 by 2, 1 minus 2, इसका क्या है zeros? पहले तो ये पता करना है, उसके बाद हमको relation दिखाना है zeros and polynomial में. आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 1 by 2 put करके देखते हैं क्या ये पूरा zero मिलता है. एक बार 1 put करेंगे zero मिलता, minus 2 put करेंगे तो सबसे पहले ये check कर लें कि क्या ये इसके zeros हैं, क्योंकि zeros का मैंने पढ़ाया था. या आप वैल्यू यहाँ x के प्लेस पे पुट कर दीजिए, जो वैल्यू दिया है जिस पे चेक करना हो. अगर पूरा पॉलीनोमियल जीरो मिल जाता है, आफ्टर दैट यू कैन से हियर दैट नंबर इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू चेक 1/2, आफ्टर दैट 1 एंड फाइनली माइनस 2. ये ऐसा हमको करना है. तो देखिए सोल्यूशन जब इसका करेंगे हम लोग क्या करेंगे, तो ये आपका पी एक्स है जो कि दिया है. पहले हम लोग चेक करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 1/2. इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर एक्स है वहाँ पहले हम लोग क्या करते हैं 1/2 पुट करते हैं. तो 1/2 पुट करिए यहाँ पे, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 2 इंटू 1/2 ऑफ होल क्यूब, 1/2 ऑफ होल स्क्वायर, 5 इंटू 1/2 प्लस 2. देखिएगा ये 2 हुआ, ये 1/8 हो जाएगा, ये प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, ये 4 जा कैंसिल हो जाएगा, 1/4 यहाँ 1/4 हुआ, माइनस 5/2 हो गया प्लस 2. एलसीएम कितना हुआ 4, 1 प्लस 1 माइनस 10 प्लस 8, तो 10 माइनस 10 4 दैट इज 0. पहला है 0, हमने चेक किया है वैल्यू पुट करके. दूसरा ये चेक करते हैं, क्वेश्चन को हम थोड़ा रफ कर देते हैं यहाँ पे, या अभी देखते हैं जरूरत पड़ेगी कर देंगे. आइए 1 पे चेक किया जाए, फिर क्या आपको चेक करना, अभी तो पहले पे चेक किया एट एक्स इक्वल्स टू 1, तो पी एक्स आपका क्या है, यहाँ रखेंगे 1, ठीक है. यहाँ देखिए क्या होगा 2 इंटू 1 ऑफ क्यूब प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर, 5 इंटू 1 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2. यहाँ दिख रहा है आपको ये कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा. ऊपर लिख देते हैं यहाँ साइड में, देखिएगा क्या मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, ये 1 आया, माइनस 5 प्लस 2, तो 5 माइनस 5 0, ये भी है आपका. अब उसके बाद देखिएगा एट एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 पे पुट करते हैं, क्या है आपका यहाँ पे ई माइनस 2. यहाँ देखिएगा जो हमारा पॉलीनोमियल दिया है 2 इंटू माइनस 2 ऑफ होल क्यूब, यहाँ एक्स के प्लेस पर रखा, फिर यहाँ प्लस एक्स है तो माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 5 है, माइनस 2 और कितना है प्लस 2, ये रहा 2, ये आपका आ गया माइनस 8, ये आ गया प्लस 4, माइनस 10 प्लस 2 माइनस 16, ये माइनस 16 रहा आपका, ये प्लस रहेगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर देखिए जब ऐड करेंगे तो प्लस 16, ये दोनों कैंसिल हो गया 0. आपने क्या देखा, जब आप पहले एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे पुट किया, पहले हाफ पर चेक किया तो हमको 0 मिला, 1 पे चेक किया तब भी 0 मिला, माइनस 2 पे चेक किया फिर भी 0 मिला. इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया, वेरीफाई दैट नंबर ये लॉन्ग साइड जो दिया है इसके जीरोज हैं. तो आप लिखेंगे देयर फोर ऑफ 1 माइनस 2 आर जीरोज ऑफ पी एक्स, जीरोज. अब हमको जो दूसरा पार्ट है यहाँ, अब यहाँ के बाद से इसको देखिएगा, तो उसके लिए देखिए क्या होगा हमारा, तो हमको जो यहाँ पॉलीनोमियल दिया था उसको हम लोग लिखते हैं. पॉलीनोमियल हमारा क्या था, पी एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब
x square minus 5x plus 2, यहाँ दिया हाफ 1 माइनस 2। तो पहला तो हम लोगों ने जीरो चेक कर लिया, अब हमको क्या चेक करना है, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। उसके लिए देखिएगा जब सोल्यूशन हम करेंगे तो हमको मालूम है कि यहाँ 2x क्यूब है, x स्क्वायर है माइनस 5x प्लस 2। अगर इसका कंपेयर करते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, तो देखिए क्या क्या मिलेगा। a इक्वल्स टू मिला 2, b की वैल्यू क्या मिला 1, c इक्वल्स टू माइनस 5, d इक्वल्स टू 2। आइए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा क्या है बच्चों, ये अल्फा है, ये बीटा, ये गामा है, तो 1/2 प्लस 1 माइनस 2। बी की वैल्यू देख रहे हैं 1 है और यहाँ ए 2 है, तो माइनस 1/2 आ गया। इधर वाले को सॉल्व करते हैं, 2 हुआ 1 प्लस 2 माइनस 4, हाफ हुआ, इधर भी हाफ, इधर भी हाफ, दोनों इक्वल आ गए। आइए सेकंड चेक करते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, क्या होता है हमारा सी बाई ए। तो सी की वैल्यू देख रहे हैं क्या, माइनस 5, ए मतलब हो गया माइनस 2। तो पहले हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा कितना है 1/2 इंटू 1 प्लस, बीटा क्या है हमारा देखिए, बीटा है 1, गामा कितना है माइनस 2, और गामा अल्फा कह रहा प्लस माइनस 2 और इंटू 1/2, यहाँ दिख रहा है ना, हाँ ये हो गया। और c की वैल्यू हमारा क्या है माइनस 5, और a है हमारा क्या माइनस 5/2, उधर माइनस 5/2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस 5 दिया हुआ है और a आपका ये है। अब देखिएगा यहाँ जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 यहाँ मिलेगा, माइनस 2 यहाँ मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 मिल जाएगा, और इधर आपको क्या मिल गया माइनस 5/2। तो एलसीएम हो गया 2, यहाँ 1, यहाँ कितना होगा बताइए माइनस 4 माइनस 2, 5/2, ये भी आपका माइनस 5/2, ये भी माइनस 5/2। दूसरा हम लोगों ने वेरीफाई किया, देख रहे हैं पहला ये वेरीफाई किया, दूसरा इसको वेरीफाई किया, उसके बाद देखिए तीसरा जो हमारा है क्या है, अल्फा बीटा गामा माइनस डी वाई ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा क्या है 1 है, वन है ये, इसको ब्रैकेट में लिखिए 1 है, गामा है माइनस 2। डी की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं क्या है 2 है और ये आपका ए, तो माइनस 2/2। तो यहाँ क्या मिलेगा देखिएगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या हमको सिर्फ देखिए 1 मिलेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 में, यहाँ भी 1 हो गया तो आ गया माइनस 1, इधर भी माइनस 1, ये आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो ऐसे इसको क्या करना था, पहला सवाल था। दूसरा देखिएगा इसमें जो सवाल दिया है वो क्या दिया है, आगे इसमें एक दो सवाल और हैं सेम इसी टाइप के हैं, आप उसमें से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें बहुत दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, कह रहा कि फाइंड द क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्या कह रहा है सेकंड, फाइंड द क्यूबिक पॉलीनोमियल विथ सम, क्या क्या दिया, सम, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस आप इट्स टू जीरोज टेकन टू, क्या कह रहा है, टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इस जीरोज दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर, क्या दिया है 2 माइनस 7
माइनस 14 ये दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा इसमें, यहां से देखिएगा कह रहा है फाइंड द क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्या कह दिया है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, यहां तक एक है और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस यहां तक एक है, मतलब ये हुआ कि ये जो दिया है ये क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टू दिया है, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा माइनस 7 दिया है और अल्फा बीटा गामा जो दिया है माइनस 14 दिया, सब पता है। तो आपको मालूम है सोल्यूशन जब करेंगे क्या लिखेंगे, वी नो दैट इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर गिवन, अगर ऐसा दिया है देन क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होता है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये होता है। सारी वैल्यू पता है हमको, हम लोग यहाँ सिर्फ क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं माइनस, ये क्या मालूम है बच्चों टू है, एक्स स्क्वायर प्लस पूरा वैल्यू क्या दिया है माइनस 7 विद साइन लिखिएगा ज़्यादा सही रहेगा, ये कितना दिया है माइनस 14, बाद में हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कंप्लीट इसका आंसर लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x हो जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 14। ये आपको क्या पता चलेगा इसके सारे क्या हैं जीरोस, सॉरी ये रहा आपका क्या पॉलीनोमियल, वही पूछ भी रहा था क्यूबिक पॉलीनोमियल ये मिल गया कब, जब आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्फा बीटा गामा है, यहाँ कह रहा है कि सम, सम मतलब तीनों का सम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ्स टू एट टेकन अ टाइम, जब दो दो का प्रोडक्ट एक साथ ले रहे हैं उसका सम दिया है माइनस 7 एंड लास्ट में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, मतलब तीनों का प्रोडक्ट ये दिया हुआ था, तो इसको बाकी हमको फार्मूले में सिर्फ पुट करना था और कैलकुलेशन करना था, तो ये रहा आपका ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है देखिएगा, कह रहा है इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल क्या क्या दिया है, पहले तो पॉलीनोमियल लिखते हैं, जो पॉलीनोमियल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर, क्या क्या दिया है 3 जीरोस दिए हैं a माइनस बी a a प्लस बी दिया है, इसमें कह रहा कि फाइंड a एंड b, फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, आइए इसको हम लोग चेक सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। देखिएगा ये कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल क्यूबिक है तो ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा, ये हुआ गामा, ये दिया हुआ है, तो कह रहा है ए और बी की वैल्यू क्या होगी, सोल्यूशन देखिएगा इसका, क्या पॉलीनोमियल हमारे पास है, पॉलीनोमियल जो हमारा है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब ये दिया, अगर आप इसका कंपेयर करते हैं ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से, तो ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू माइनस 3, सी इक्वल्स टू 1 एंड डी इक्वल्स टू 1, यही सब वैल्यू मिलेगा आपको जो कि हमने यहाँ लिखा है। अब आपको एक चीज और पता है, यहाँ पे सबसे पहला रिलेशन क्या पता है कि अल्फा ध्यान दीजिएगा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो अल्फा ये है बीटा ये है गामा ये है, मतलब तीनों को ऐड करिए ए माइनस बी प्लस ए ए प्लस बी,
माइनस बी की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे माइनस थ्री, ए क्या है वन। देखिएगा यहाँ पे बी और बी कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या थ्री ए, ए ए ए थ्री ए हो गया, एक्व टू क्या मिल गया वन मिल गया। ए की वैल्यू तो हमको पता चल गई, आइए हम लोग बी की वैल्यू निकालते हैं। देखिए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको एक चीज़ और मालूम है, अल्फा बीटा गामा इक्व टू होता है क्या, लास्ट वाला लगा रहे हैं माइनस डी बाई ए। आप हमको बताइए अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी इंटू ए ए प्लस बी, ये क्या रहा आपका माइनस डी बाई ए। तो लेकिन यहाँ डी बाई ए वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है वन और ए भी आपका है वन, यहाँ पुट कर देते हैं वन अपान वन, लेकिन आपको मालूम है यहाँ माइनस में होगा तो माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा डिवाइड जब करेंगे यहाँ पे तो माइनस वन ही मिलेगा, लेकिन हम अभी लिख दे रहे हैं माइनस वन अपान वन, बाद में आगे लाइन में हम लोग इसको देखेंगे। ये चीज समझिएगा, ए की वैल्यू हम इसमें हर जगह पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, आगे पुट किया जाए तो आपको मालूम है वन माइनस बी इंटू वन वन प्लस बी माइनस वन, ये वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वही मिल जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वन, तो वन माइनस बी स्क्वायर इक्व टू माइनस वन, माइनस बी स्क्वायर इक्व टू माइनस वन ये मिल जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस टू मिल जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बी प्लस टू आपको मिल गया रूट टू, तो बी की वैल्यू रूट टू पता चला, बी हमको क्या मिला अंडर रूट टू और ए क्या मिला हमको वन मिला। तो ये ए और बी की क्या रही वैल्यू, लेकिन अगर इसी में यहाँ पे दिख रहा होगा हाँ यहीं पे अगर आपको पूछ ले कि वो अल्फा बीटा गामा क्या होगा, तो ऐसा नहीं है कि ये अल्फा ये बीटा, आप इसमें पुट करेंगे तो देखिए पहला हमारा जो अल्फा था वो क्या था ए माइनस बी था, बीटा सिर्फ ए था और गामा क्या था ए प्लस बी था। तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ए आपने निकाला वन और बी निकाला है रूट टू, तो आ गया वन माइनस रूट टू, ये अल्फा रहा और आपको पता है बीटा सिर्फ ए है तो वन हो जाएगा, और जो गामा हमारा हुआ वो क्या हो गया वन प्लस, ये अल्फा बीटा गामा मतलब ये थ्री जो है इसके जीरोज हैं ऐसा। और यहाँ क्योंकि ए माइनस बी ए और ए प्लस बी के टर्म्स में दिया था, वैल्यू दिया नहीं था, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये रफ करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या कह रहा है इसमें, ऐसा सवाल हमने लगवा दिया है लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल क्या है पॉलीनोमियल एक्स पावर फोर सिक्स एक्स क्यूब ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर वन थर्टी एट एक्स माइनस थर्टी फाइव आर, क्या कह दिया आर टू प्लस रूट थ्री और दूसरा दिया है टू माइनस रूट थ्री, फाइंड अदर टू, मेरा फाइंड अदर टू, दो बाकी पता करना है, ध्यान से समझिए इसमें, आपको मालूम है यहाँ पावर फोर है तो चार जीरोस होंगे, इसका मतलब ये अल्फा दिया है ये बीटा दिया है, मतलब ये एक्स की पहली वैल्यू एक्स की दूसरी वैल्यू है, बाकी दो वैल्यू हमको मालूम नहीं है, वही दो वैल्यू निकालना है हमको, तो बहुत सिंपल है, देखिए सलूशन जब करेंगे इसका तो आपको मालूम है यहाँ पे सबसे पहले सिंस पी एक्स इक्व टू, या इसको लेट कर लें
लेट क्या है तो दिया ही है यहाँ, लेट करने की कोई बात नहीं क्योंकि पी एक्स दिया है, पॉलिनोमियल यही है आपका। क्या लिखेंगे, वी हैव करके लिखिए, वी हैव पी एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर फोर सिक्स एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर 138 एक्स माइनस 35, ये दिया है, ये आपको पता है। बाकी आपको क्या मालूम है, एक एक्स की वैल्यू हमको क्या मालूम है, 2 प्लस रूट 3, और जो दूसरी एक्स की वैल्यू मालूम है वो क्या है, 2 माइनस रूट 3। इसको आप अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आई थिंक। अगर हम ये कह दें कि ये अल्फा है ये बीटा है, मतलब एक्स की पहली वैल्यू अल्फा है, बीटा है, गामा है, कोई डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा तक अभी बात नहीं आई है इसमें, आप इस चीज़ को समझिएगा। अगर इसी में अल्फा बीटा गामा दिया हो तो हमने फार्मूला बताया था, मैंने कहा था अगर अल्फा बीटा आर गिवेन तो जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था पी एक्स इक्वल्स टू वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फार्मूला था। तो अगर ये एक्स दोनों ये दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स की पहली वैल्यू और एक्स की दूसरी वैल्यू, तो यहाँ मुझे क्वाड्रेटिक जो पॉलीनोमियल होगा वो क्या होगा, तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। आइए पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए जब इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ अंदर तो रूट थ्री से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ मिलेगा 4x, और यहाँ जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 है और 2 माइनस रूट 3 है। ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला मालूम है, अगर a प्लस बी है a माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक लाइन और लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ देखिएगा ये क्या आ जाएगा, 4 ऑफ स्क्वायर माइनस रूट 3 ऑफ स्क्वायर, थोड़ा हम लोग मल्टीप्लाई करने से बच जाएंगे, ये 4 हो गया, ये माइनस 3 हो गया, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 1, ये क्या मिला हमको, पी एक्स, ये रहा पी एक्स। अब ये जो पी एक्स मिला है, पी एक्स क्या, इसको आप जी एक्स मानिए क्योंकि एक बार हम लोग पी एक्स मान चुके हैं, क्योंकि पॉलीनोमियल को हम लोगों ने पी एक्स लिया, ये जी एक्स हो गया। अब आप जो ये जी एक्स आया है इससे हम लोग इस पूरे पॉलीनोमियल को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो दिया हुआ डिवाइड, अभी इससे पहले इस तरह टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था, तो आइए हम लोग डिवाइड यहाँ करते हैं। देखिएगा क्या है, एक्स पावर 4 6x³ 26x² प्लस 138x माइनस 35, डिवाइड किससे करना है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, इससे हमको डिवाइड करना है। क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। देखिए जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो सबसे पहले इसका डिवीजन देखिएगा आप लोग, डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, कितने टाइम्स जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स, यहाँ ले जाइए एक्स पावर 4, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमको, मिलेगा माइनस 4x³, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मिलेगा प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया ये मिला, यहाँ मल्टीप्लाई किया ये मिला, इसका इसमें कर दिया यहाँ, ये माइनस, और पता है ये क्या हो जाएगा, प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, यहाँ बताइए क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा, यहाँ 6 है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो माइनस 2x³, और यहाँ देखिएगा हमको क्या मिलेगा, दोनों सेम साइन है तो माइनस 27x², इसको आप वैसे ही लिख लीजिए जो है आपका 38x। अब कितने टाइम जाएगा, माइनस 2x, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए क्यूब इसमें करिए तो प्लस 8x² यही मिलेगा, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, प्लस आ जाएगा 8x², यहाँ 8 है आपका, और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे हम लोग, ये एक्स है तो माइनस 2x यहाँ लिख देते हैं, साइन देखिए किसका एक चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया,
अब उसके बाद देखिएगा यहाँ कितना मिलेगा, ये हमको मिल जाएगा जब यहाँ पे हम लोग सेम साइन है तो माइनस मिल जाएगा 35x2 और ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा प्लस 140x-35। ये अब हमारा जो डिवीजन होगा होगा -35 टाइम्स, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 35 का 4 से करेंगे तो प्लस आएगा 140x और यहाँ क्या आ जाएगा -35। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, जीरो मिल गया। ये मिला आपको डिवाइड करने के बाद जीरो मिल गया। अब हमको क्या करना है, जो ये आपको डिवीजन के बाद जो कोशेंट मिला है इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं फैक्टराइजेशन, देखिए क्या मिला है x²-2x-35, सेवन माइनस फाइव होगा क्योंकि 7 5 35, 7 से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 मिल जाएगा, तो x²-7x+5x-35। x कॉमन ले लिया तो x-7 + 5 कॉमन लिया x-7, दोनों में से x-7 कॉमन है, हियर x+5। तो जब आप पहले इसको x-7 को जीरो के इक्वल रखेंगे ये, तो आपको x इक्वल मिल जाएगा 7, क्या मिलेगा 7, और जब आप x+5 = 0 सपोज करेंगे तो x इक्वल क्या मिल जाएगा -5, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं एक ये था एक ये था, अब आपको देख रहे हैं एक वैल्यू ये मिला एक वैल्यू ये मिला और दो वैल्यू ऑलरेडी दे रखा था x का, तो पहली वैल्यू x की ये हुई, दूसरी वैल्यू आपकी x की ये हो गई, तीसरी ये और चौथी वैल्यू ये। तो इस तरीके के भी सवाल आपके आते हैं, ये रहा exercise 2.4। अब इसमें और भी रह गया है, हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉलीनोमियल का करवाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या करें लोगों के बीच में क्या करें इसको फैलाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, हमको भी थोड़ा सा उत्साह मिले, हम भी और अच्छे से काम करें, बस यही है। और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ और चीज़ दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे। और मैं पूरा पॉलीनोमियल अभी और करवाऊंगा, इतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा कि पॉलीनोमियल के किसी भी टाइप के क्वेश्चन बचेंगे नहीं। अभी एनसीईआरटी करवा रहे हैं क्योंकि इसमें जो एनसीईआरटी, हम सोच रहे हैं पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम लोग टच कर लेते हैं, जो अच्छे अच्छे सवाल हैं, बाकी जो और भी क्वेश्चन होंगे अभी एग्जाम्पल सारे होंगे उसको भी लगवाएंगे, ऑप्शनल जो होगा उसको भी लगवाएंगे, तो ओवरऑल मिला करके एनसीईआरटी के सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा आप समझिए इसको, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।